आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छी और रिफ्रेशिंग नींद के लिए 11 तरीके या 11 टिप्स। आज के ये टेंशन के, स्ट्रेस के, दौड़ धूप के जमाने में लोग अच्छी नींद के लिए तरसते हैं कि अच्छी नींद आना चाहिए। डीप स्लीप, अच्छी नींद, रिफ्रेशिंग स्लीप लोगों को चाहिए। और काफी लोग परेशान है कि नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती, नींद नहीं आती। एक तो लोगों को नींद आने में तकलीफ है, या नींद आने के बाद में बीच में ही उठ जाते हैं और बाद में नींद लगती नहीं है। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं। अक्सर लोगों का यह सवाल रहता है कि कितने घंटे सोना चाहिए। एक तो ऐसा है कि नॉर्मली 6 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में लोग 7 घंटे सोते हैं। कुछ लोगों को 6 घंटे से कम भी चलता है, एक्सेप्शनल केसेस में। कुछ लोगों को 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेने की जरूरत पड़ती है, और अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटे ये नॉर्मल टाइम होता है, और उसमें लोगों को रिफ्रेशिंग लगता है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई मुझे फ्रेश नींद कैसी लगेगी, मतलब सुबह उठने के बाद में फ्रेश लगना चाहिए। कभी लोगों को 7 घंटे सोने के बाद में भी फ्रेश नहीं लगता है। तो फ्रेश नींद होना जरूरी है, और यदि आप फ्रेश सवेरे उठते हैं तो फिर आपका दिन अच्छा जाता है। तो लोगों का ये सवाल होता है कि फ्रेश नींद कैसे लें। तीसरा है कि भाई लोगों को ये सवाल आता है कि भाई कितना कम सोना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स पूछते रहते, नहीं, अभी हमारी एग्जाम है, 10th की एग्जाम है, 12th की है, फाइनल की है, और अभी मुझे मेरी नींद घटाने की है तो मैं क्या करूं। क्या होता है कि नींद घटाने से कुछ फायदा होता नहीं है। 6 घंटे से कम यदि आप नींद घटाते, यदि आपको हैबिट नहीं है, आप भले ही पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं मगर आपके वो मेमोरी में नहीं जाएगा। क्या होता है कि मेमोरी में जाने के लिए आपको डीप स्लीप की जरूरत है, और डीप स्लीप यदि आप नहीं लेते हो, यदि वो कम करते तो डीप स्लीप नहीं होंगे। डीप स्लीप नहीं लेते हो तो फिर आपको मेमोरी के प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो डीप स्लीप आपने लेना जरूरी है, और स्लीप कम नहीं करना है। यदि आपके बॉडी को 7 घंटे की जरूरत है, आपने 7 घंटे ही लेना चाहिए। फिर लोग पूछते हैं कि भाई मेरी क्वालिटी में कैसे सुधारूं, अच्छी क्वालिटी की नींद कैसे लूं। तो उसके बारे में बात करेंगे। जब 33% लोग, 1/3 लोगों को ये प्रॉब्लम है नींद का, और वो लोग ढूंढ रहे, सर्च करते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं, और नींद अच्छी होना चाहिए इसलिए तरसते रहते हैं। तो कुछ लोग बहुत भाग्यवान रहते हैं कि बेड पर लेटने के तुरंत बाद उनको नींद आती है, और वो 5 मिनट के बाद में वो खर्राटे लेना चालू कर देते हैं। तो भाई आपने क्या करना चाहिए? नंबर 1, एक तो आपकी रूम जो है उसमें एकदम क्वाइट रूम होना चाहिए, हल्का सा लाइट होना चाहिए, ब्लू लाइट रहा तो बहुत ही अच्छा है, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही रूम में आप सो रहे हैं तो वहीं टीवी चालू है, और कोई लोगों का आना जाना चालू है तो बहुत डिस्टर्ब करता है। स्पेशली जिनके यहाँ पालतू जानवर है, लोग बहुत ही इमोशनली अटैच रहते हैं कि नहीं, मेरा बिल कुत्ता, मेरी बिल्ली है ना, तो वो लोग आके सोते हैं, उनके बेड पर आएंगे या फिर वो आना जाना चालू रखेंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो देखना जरूरी है कि क्वाइट जगह होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और एकदम लाइट, फीका लाइट होना चाहिए, हल्का लाइट होना चाहिए। नंबर 2, आपका एक्सरसाइज आपने करना अच्छा जरूरी है। एक्सरसाइज जो है उसका भी समय होता है कि आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं या दोपहर में एक्सरसाइज करते हो तो अच्छा है। शाम को एक्सरसाइज जब करते हैं 7 बजे के बाद में, तो एक्चुअली वो स्टिम्युलेटिंग होता है। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो डोपामिन सिक्रेशन होता है, सेरोटोनिन सिक्रेशन हो जाता है, तो वो स्टिम्युलेटिंग होता है, उससे एक्चुअली नींद आएंगी नहीं। आप सुबह या दोपहर को एक्सरसाइज करते तो उससे थकान भी आएंगी, और नींद के इंडक्शन को अच्छा हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगा नहीं, अच्छे आप लेंगे। फिर आपको तीसरा देखना है कि भाई दोपहर को नींद लेने की नहीं है। कुछ लोगों को दोपहर में नैप लेने की जरूरत रहती है, मतलब वो भले ही 10-15 मिनट, आधा घंटे का नैप लेंगे, तो वो करना नहीं है। क्योंकि नैप लेने के बाद में होता क्या है कि आप फ्रेश हो जाते हैं और फिर नींद के इंडक्शन को प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोपहर को कभी भी छोटा सा भी नैप लेने का नहीं, थोड़ा भी सोने का नहीं है, थोड़ा सा आड़ा हो जाता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी करने का नहीं है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपने भूखे पेट नहीं सोना है, एक तो, या बहुत ज़्यादा भरे पेट भी सोने का नहीं है। मतलब रात को आप जब खाना खाते हो तो आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ फ्राइड खाना, बहुत हेवी डाइट लेना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम लाइट होना, और भूखे पेट भी नहीं रहने का है, ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और वैसे ही आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर रात को उठना पड़ेगा आपको टॉयलेट के लिए, और फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएंगी। और वैसे ही फिर आप चाय या कॉफ़ी, क्या होता है कि चाय कॉफ़ी में स्टिमुलेंट रहते हैं, कैफीन रहता है, तो फिर उसमें उनको स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट आता है। तो आपने अक्सर 5 बजे के बाद में चाय या कॉफ़ी टालना चाहिए, और वो नहीं लेना चाहिए।
फिर पांचवा पॉइंट यह है कि भाई आपने सिगरेट तंबाकू जो अगेन स्टिमुलेटिंग है ना, तो उसमें भी मतलब सिगरेट या तंबाकू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिगरेट तंबाकू 5 बजे के बाद में यदि आप लेते हैं तो वो आपको नींद में डिस्टर्ब करेगा और आपको नींद आएगी नहीं, तो आपको आपने वो डालना चाहिए। सिगरेट तंबाकू या शराब भी आपने नहीं लेना चाहिए, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं नींद में। फिर आपका छठवां पॉइंट जो है कि आप सोने के पहले यदि आप स्नान करके सोते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी है, स्नान करते सोते हैं तो अच्छा लगेगा आपको और फ्रेश लगेगा, और थोड़ा सा हल्का सा आप दूध लेते हैं उसके साथ में, उसके बाद में तो हल्का सा दूध ले रहे हैं और स्नान कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा और नींद अच्छी हो जाएगी। फिर सातवां पॉइंट जो है वो है कि आपने सोने के पहले हल्का सा म्यूजिक सुन रहे हैं, हल्की फुल्की किताब पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी किताब की जो बहुत मतलब घबराने वाली किताब है या बहुत एक्साइटिंग किताब है या बहुत एक्साइटिंग आपके मूवीज है या टीवी देख रहे हैं, मतलब जो एक्साइट कर रहा है दिमाग को वो आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें नींद इंडक्शन में प्रॉब्लम आता है। आठवां पॉइंट ये है कि आपने वैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या और भी जो भी सोशल मीडिया है उसका वहाँ पर एक काम ठहरा, मतलब टाइम ठहराने के भाई 8 बजे के बाद में मैं देखूंगा। क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर एक आधा वीडियो आ जाता है ना, व्हाट्सएप के ऊपर एक आधा वीडियो आ जाता है, हम देखते हैं और उसमें से स्टिमुलेशन होता है, फेसबुक के ऊपर कोई स्टोरी आती है वहाँ से स्टिमुलेशन आपको मिल सकता है, तो फिर आपको नींद आने में तकलीफ आ जाएगी। तो यह है। फिर नेक्स्ट जो है नवा पॉइंट वो है कि आपको जब नींद आती है ना तभी बेड के ऊपर जाने का है, ऐसा नहीं कि बस बेड के नींद भी नहीं आ रही है तभी बेड के ऊपर गए। क्या होता है कि वैसी नींद आ रही है तो बेड के ऊपर जाना कभी भी अच्छा है, तो फिर नींद जल्दी आ जाएंगी। और फिर समझो आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर जल्दी बेड के बाहर आना, मतलब 15-20 मिनट हो गए और आपको नींद नहीं आ रही तो तुरंत बेड से उठ जाओ, फिर कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ो, पढ़ाई करो अपने टॉपिक की, मतलब मोटिवेटिंग नहीं, इंस्पिरेशनल नहीं, बाकी कोई पढ़ाई करते कि जो उसमें आप बोर हो जाएंगे, ऐसी पढ़ाई आप कर रहे हो तो पेड़ से उतर जाना है बाजू में और कुछ तो भी पढ़ाई करना चालू कर देने का है, और वो पढ़ाई यदि आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पढ़ाई करो। और उसके साथ साथ ये देखना है कि बेड जो है वो बेड सिर्फ सोने के लिए वापरने का है, मतलब बेड के ऊपर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या मतलब सोशल मीडिया कर रहे हैं, चिट चैटिंग कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं करने का है, बेड के बाहर ही तुरंत आने का है और बेड के बाहर आके ही आपने मतलब बाकी जो काम करना है वो करो, बेड के ऊपर लेटने का नहीं, तुरंत बाहर आने का यदि नींद नहीं आती है तो। और बेड सिर्फ सोने के लिए वापरने का है और सेक्स के लिए वापरने का है, क्योंकि वो कंडीशनिंग हमको होता है कि बेड पे गए तभी सोने का है। दसवां पॉइंट है कि आपका फिक्स टाइम होना चाहिए सोने का, आपने क्या करना है कि फिक्स टाइम सोना और फिक्स टाइम उठना, ये आपको करने का है। लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आ रही तो फिक्स टाइम कैसा रखेंगे, ठीक है नींद नहीं आ रही है तो जो अभी बताया वैसा करो, और दूसरा उठने का टाइम आप फिक्स करो, यदि आप उठने का टाइम पक्का करेंगे तो दूसरे दिन आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तो उठने का टाइम पक्का करने का और दिन में सोने का नहीं है तो आपको उसमें फायदा हो जाएगा। फिर 11वां जो पॉइंट है वो है इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। पहले क्या था, जो दवाई आती थी उसका असर दूसरे दिन भी होता था, बेंजोडाइजिपिन टाइप, दूसरे दिन भी थोड़ा सा ऐसा ड्राउजीनेस आता था, एडिक्शन होता था, तभी काफ़ी दवाई ऐसी कि उसका एडिक्शन होता नहीं है, तुरंत नींद आ जाती है, तो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को मेडिटेशन आप कर सकते हैं और मेडिटेशन करके आप सो सकते हैं। मैं हिप्नोथेरेपी रिकमेंड करता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस और नींद की सूचनाएं देना सबकॉन्शियस माइंड को, वो यदि आप करते हैं तो दवाइयाँ, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको नींद आ जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और एक पॉइंट जो है जो महत्व का है, जो आप वैसा जीना चाहिए, भले वो नींद के लिए नहीं है, वैसे ही मतलब दिमाग शांत करने के लिए, वो है कि इनकम्प्लीशन नहीं होना है। इनकम्प्लीशन मतलब क्या है कि आधा अधूरा विचार लेके दिमाग लेके आपको बेड के ऊपर जाने का नहीं है। मतलब क्या होता है, गुस्सा लेके, अपराध बोध की भावना लेके, खुन्नस की भावना लेके, झगड़ा झंझट करके, अपसेट होके, ऐसा दिमाग में चल रहा है कुछ तो भी और बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, झगड़ा करके आ गए, झंझट करके आ गए, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो बिल्कुल बेड के ऊपर जाना नहीं है और कभी भी नींद लगने की कोशिश करना नहीं है। अब जितनी ज़्यादा इनकम्प्लीशन लेके दिमाग के ऊपर, मतलब इनकम्प्लीशन लेके झगड़ा करके, झंझट करके, किसको बात करना है, फ़ोन करना है, उसके बाद में कंप्लीट करना है, फ़ोन करो, वो काम कंप्लीट करो और बाद में बेड के ऊपर जाओ, दूसरे दिन के ऊपर डालेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो ये आप यदि करते तो आपको बहुत अच्छी नींद आएंगी, और नींद यदि आपको अच्छी आती है तो आपको बीमारी, मेंटल इलनेस होने से आप बच सकते हो, क्योंकि मेंटल इलनेस का पहला साइन जो रहता है वो नींद नहीं आना। यदि आपको नींद मस्त आ रही है ना, फर्स्ट क्लास आप सो रहे हो, रिफ्रेशिंग नींद है, काफ़ी सारी मेंटल बीमारियां आपको होंगी ही नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो,
आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर हमको इन्फॉर्म करो। ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे साथ में ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।